मैं सुबह आराम से उठा हूँ, कुछ नहीं किया है और मैं आज बनाने वाला हूँ बॉल माच के झाल। और बॉल माच के साथ मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करूँगा, लाइक बॉल माच को मैं माइक्रोवेव में थोड़ा सा सोच रहा हूँ विथ लेमन कोरिएंडर एंड गार्लिक बटर सॉस के साथ पकाया जाए फॉर जस्ट स्नैक्स। देखते हैं कैसा बनता। हाँ, तो फर्स्ट टाइम बनाया मैंने ये, ठीक है, ग्रिल में ग्रिल फिश, जिसमें कि मैंने बॉल फिश को यूज़ किया है बटर गार्लिक सॉस के साथ, कोरिएंडर बटर गार्लिक सॉस के साथ। और टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाया है भाई, कुछ भी हो सकता है। दिख रहा हो आपको, जैसे कोरिएंडर है, गार्लिक है और बटर है, तो कोरिएंडर गार्लिक बटर का एक मिक्स बनाया है जिसमें किया है ग्रिल, तो उसका टेस्ट आ रहा है अंदर। भिटकी माच, बासा फिश में तो मेरे ख्याल से मजा आ जाने वाला नहीं इसमें, बट बॉल माच का भी अपना एक टेस्ट है। बॉल माच का हम सिंपल ग्रेवी बना सकते हैं, वो हम अभी बनाएंगे। ग्रेवी तो बनाएंगे अभी। मैं इस चैनल में, अपने चैनल में जनरली ना ये फूड रिलेटेड थिंग्स और खाना बनाना और फूड स्टोरीज में शेयर करता हूँ, जो कि मेरे डेली व्लॉग्स और वीकली व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स में आते हैं। तो फंडा कुछ ऐसा है कि डेली लाइफ को आप लोग देखते ही हैं मेरा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं फूड भी एक्सप्लोर करता हूँ जो कि मेरा पैशन है, फूड एक्सप्लोर करना, तरह तरह के फूड खाना और बनाना भी, तो एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ और वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आए और रेसिपी अगर आप फॉलो करते हैं कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत देख के, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और दूसरी चीज़ ना, ये जो मैंने गार्लिक बटर सॉस दिखाया ना, ये ना मैं थोड़ा बना कर रखने वाला हूँ, बड़ा पसंद आया, मैं फर्स्ट टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम गार्लिक कोरिएंडर बटर सॉस। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको और मैं इनोवेट करूँगा विथ मोर लेमन विथ लिटिल बिट ऑफ मिंट एंड लिटिल बिट ऑफ डिल। तो मैं लाऊंगा थोड़े वो हर्ब्स और मैं थोड़ा बटर भी लाऊंगा, और इसको मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसा बटर आप घर में बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो इन केस ऑफ सच काइंड ऑफ ग्रिल, जब आप इस तरह का ग्रिल कर रहे हैं, फिश ग्रिल कर रहे हैं, पॉम्पलेट ग्रिल कर रहे हैं, बासा ग्रिल कर रहे हैं, तो आप उसमें उसको जस्ट निकालो फ्रिज से, बटर की तरह स्लाइस करो और डायरेक्टली यूज करो, तो आपका टाइम बचेगा और चीज़ें बहुत क्विक हो जाएंगी। ये फिश का ये रेसिपी मेरे को बनाने में जस्ट 6 मिनट लगा है, 6 मिनट, 6 मिनट। हम फटाफट आज का मेन कोर्स, आज का मेन रेसिपी बॉल माच का करी बनाएंगे बंगाली स्टाइल। मस्टर्ड ऑयल इज मस्ट, गर्म हो गया है, चला लेते हैं। अब देखते हैं ये फटता है कि नहीं फटता है। अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग जरूर करें, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे रखूंगा शेड में, हल्का सा गैप करके, जैसे कि अगर फटता है नहीं तो आप तक ना आए। ये थोड़ा थोड़ा फटना चालू कर दिया है ऑलरेडी, तो पलटते टाइम में भाई सेफ्टी फर्स्ट, अपना ध्यान पहले रखें, सील्ड आपकी सुरक्षा करेगा। इसको आगे रख के यू हैव टू ट्विस्ट इट स्लोली, पलटेंगे। फिश फ्राई रेडी हो गया है और अभी हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए देखो, ये मैंने यहाँ पे टमाटर, लहसुन, अदरक का एक पेस्ट बना लिया है, 2 टमाटर और 5 ग्राम लहसुन, 5 ग्राम अदरक, 1 प्याज है बड़ा, थोड़ा सा कोरिएंडर और ग्रीन चिली, चीफ सिर्फ आए हैं। हेलो बोलो,
संगीताज खाना बनाएगी, संगीताज ये रेसिपी बनाएगी और आप लोगों को दिखाएगी भी कैसे बनाते हैं। क्या डाल रहे हो सबसे पहले? सबसे पहले तेल जो हम जिसे फ्राई किया था उसी में संगीता ने प्याज ऐड कर दिया है। हल्का हल्का रेड होने तक इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। ये संगीता ने टमाटर जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो भी ऐड कर दिया क्योंकि प्याज हल्के से ब्राउनिश हो गए। इसको भी अच्छे से पकाना है और इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले भी पकने चाहिए इसके साथ। और इसमें मसाले जब ऐड करेंगे तो मसाले जलेंगे। ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया, नमक डाल रहे हो अभी। असल में टेस्ट जो है ना वो चेंज इसीलिए होता है कि हर किसी का खाना का बनाने का स्टाइल जो है थोड़ा अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो संगीता का खाना बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा खाना बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो स्वाद इसीलिए एनहेंस होता है। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ संगीता क्या कर रही है ना, एक एक चीज़ ऐड कर रही है और फिर थोड़ा भूज रही है, और मैं करता हूँ सब एक साथ ऐड कर देता हूँ। यह है कश्मीरी लाल मिर्चा, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया, जीरा पाउडर। पर इससे एक चीज़ तो है अच्छा कि मसाला पूरा अच्छे से पक जाता है ना और तेल छोड़ देता है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अच्छा ये बंगाली में थोड़ा फिक्स है ये क्या शुगर, तो हाफ चम्मच एक चिमटा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट चेंज होता है। इसको 5 मिनट करेंगे और ओके। मैं फिश एक्सप्लोर कर चुकी थी बट चिकन की जो वैरायटी है चिकन तंदूरी एंड चिकन ग्रिल और चिकन रोस्ट ये सब जो बने हैं वो मेरे घर में इतना चिकन की वैरायटी नहीं होती, चिकन की वैरायटी, फिश की वैरायटी होती है। मैंने फिश बहुत एक्सप्लोर किया है, बहुत बहुत एक्सप्लोर, मतलब क्या बोलते हैं किशमिश। घर में रहे हो ना तो तुमने फिश तो हर तरह का खाया। हां मैंने किशमिश, फिश में किशमिश भी डाली। हां दो कालिया होता है ना फिश कालिया जो शादियों में यूज होता है, वो ग्रेवी, थिक ग्रेवी होता है कतला माछ का, उसमें डालते हैं। और उसमें भी डालते हैं जो करी जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, गर्मी में यूज करते हैं फिश ग्रेवी में, राइट? तो गर्मी का, बट ये सब चीजें ना मैंने खाया हुआ जमाना हो गया। तो फिश की वैरायटी तुम खिलाओगे, चिकन की वैरायटी मैं खिलाऊंगा, ओके? ओके, चल। तो ये जैसे 5 मिनट हो गया है। बेबी हो गया है, मेरा पानी भी गर्म हो गया है, मैं सब पाएगा। गर्म पानी। मैं थोड़ा सा ढक के पलेगा। ढक के पलेगा। इससे ही बहुत आएगा, फिर डालूंगा। रंगे फिश ऐड कर रहे हैं इसमें। Ba-da-ba-ba